Now, Unit 4, Safety and First Aid. Chapter 7, Safety and First Aid. In this chapter, what we will learn? In this lesson, you will learn about safety rules that should be followed on the road, inside a vehicle, in the swimming pool, in the playground and at the home. So, देखिए हम कहीं पे भी होते हैं, चाहे हम रोड पे चल रहे हैं या हम व्हीकल में बैठे हुए हैं, स्विमिंग पूल के वहाँ पास में हैं या प्ले ग्राउंड में है, तो वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, सेफ्टी रूल्स. इन सारे रूल्स को हमें फॉलो कुछ करना होता है. तो कौन से रूल्स हैं एंड क्या है, लेट्स लर्न. एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम एंड एनीवेयर. तो एक्सीडेंट्स तो कहीं पे भी हो सकते हैं और किसी भी टाइम पे हो सकते हैं. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू कैन हर्ट योरसेल्फ. अगर आप केयरफुल नहीं हैं तो आपके लग भी सकती है. कीप सेफ्टी रूल्स इन योर माइंड टू कीप योरसेल्फ सेफ. तो हमें सेफ्टी रूल्स हमें हमेशा अपने दिमाग में रखने चाहिए जिससे कि हम सेफ रह पाए. तो अलग अलग जगह के सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं, जैसे हम फर्स्ट देखेंगे ऑन द रोड. तो रोड पे क्या क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं. फर्स्ट, वॉक ऑन द फुटपाथ. तो हमें हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए. क्रॉस द रोड ओनली एट द जीब्रा क्रॉसिंग. हमें हमेशा रोड जीब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करनी चाहिए. क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन फॉर यू. जब आपके लिए ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो, ग्रीन मीन्स होता है यू कैन क्रॉस नाउ, देन ओनली आपको रोड को क्रॉस करना चाहिए, और वो भी कहां से करना चाहिए, जीब्रा क्रॉसिंग से. नेक्स्ट, डू नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड फॉर यू. एंड आपको कभी भी जब रेड लाइट हो रही हो आपके लिए, तब आपको कभी भी रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए. कब करनी चाहिए, यू हैव टू वेट कि जब आपके लिए ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाए तभी आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए. नेक्स्ट है, लुक एट बोथ साइड बिफोर क्रॉसिंग द रोड. हमेशा रोड क्रॉस करने से पहले दोनों साइड्स में देखना चाहिए. डू नॉट रन ऑन द रोड. कभी भी रोड पे आपको भागना नहीं चाहिए. तो हमने रोड के क्या क्या रूल्स देखे, ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, रोड हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कीजिए, जब आपके लिए ग्रीन लाइट हो जाए तभी क्रॉस कीजिए, रेड लाइट अगर आपके लिए हो रही हो तो आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्रॉस करते टाइम हमेशा बोथ साइड्स देख के, दोनों साइड देख के ही क्रॉस करना चाहिए, एंड डू नॉट रन ऑन द रोड, और कभी भी रोड पे रन नहीं करना चाहिए. इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में देखते हैं, डू यू नो व्हाट द ट्रैफिक लाइट्स टेल यू. तो हम ट्रैफिक लाइट्स हम देखते हैं ना, तीन टाइप की ट्रैफिक लाइट्स हमें देखने को मिलती है, एक रेड होती है, एक ऑरेंज होती है और एक ग्रीन होती है. तो ये क्या बताती है हमें, रेड लाइट टेल्स यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, वो आपको कहती है रुकने के लिए. रेड लाइट अगर आपके लिए रेड लाइट हो रही है तो व्हाट इट मींस, इसका मतलब होता है कि आपको रुकना है, रोड क्रॉस नहीं करनी है. सेकंड लाइट होती है येलो लाइट. येलो लाइट टेल यू वेट वेट वेट. तो ये आपको बताती है कि यू हैव टू वेट. रेड लाइट कहती है स्टॉप हो जाओ, येलो लाइट कहती है अभी आपको वेट करना है और गेट रेडी, रेडी होना है आपको, रोड क्रॉस नहीं करनी है. एंड ग्रीन लाइट टेल यू गो गो गो. जब ग्रीन लाइट हो जाती है तभी आपको रोड क्रॉस करनी होती है. नेक्स्ट, इन बस एंड व्हीकल. अब अभी हमने रोड के रूल्स देखे थे, अब हम देखते हैं कि जब हम बस या किसी व्हीकल में बैठे हों देन व्हाट रूल्स वी हैव टू फॉलो. फर्स्ट इज, डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ अ मूविंग बस. हमें कभी भी चलती हुई बस में ना तो बैठना चाहिए और ना ही किसी बाहर निकलना चाहिए, ना बैठना चाहिए. चलती हुई बस में कभी भी बाहर नहीं उतरना चाहिए, ना ही चढ़ना चाहिए. हमेशा हमें इंतजार करना चाहिए, जब बस रुक जाए तभी आपको चढ़ना चाहिए और तभी आपको उतरना चाहिए. सेकंड इज, डू नॉट लीन आउट योर हेड और हैंड व्हाइल यू आर इन द बस. जब भी आप बस में हो तो चलती हुई बस में कभी आपको अपना सर और अपने हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए. डू नॉट शाउट एंड स्क्रीम इन द बस. बस में कभी भी हमें चिल्लाना नहीं चाहिए. स्टैंडिंग इन अ क्यू टू गेट इन अ बस इज अ गुड हैबिट.
जब भी बस में आपको चढ़ना है हमेशा क्यू बना के ही चढ़ना चाहिए. डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर. कभी भी जब बस चल रही हो तो ड्राइवर को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. तो चाहे बस हो या कार हो, इवन जब आप अपने फादर या मदर के साथ भी अगर कार में जाते हैं और वो कार चला रहे हैं, उस टाइम आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. नेवर ओपन द डोर ऑफ अ मूविंग व्हीकल. कभी भी चलते हुए व्हीकल का डोर ओपन नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है आप उसमें से गिर पड़े. तो कभी भी हमें चलते हुए व्हीकल का डोर ओपन नहीं करना चाहिए. नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, फर्स्ट इज व्हाट डज द रेड लाइट टेल यू. रेड लाइट टेल यू टू स्टॉप. व्हाट डज द ग्रीन लाइट टेल यू. ग्रीन लाइट टेल यू टू गो. नाउ यू कैन क्रॉस द रोड. शुड यू डिस्टर्ब द ड्राइवर ऑफ द बस. नो, वी शुड नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर ऑफ द बस. शुड यू पुट ऑन लाउड म्यूजिक इन द बस. नो, वी शुड नेवर पुट लाउड म्यूजिक इन द बस. शुड यू शाउट एंड स्क्रीम इन द बस. नो, वी शुड नॉट शाउट एंड स्क्रीम इन द बस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द रूल्स विच वी हैव टू फॉलो इन द स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए. गो विद एन एडल्ट टू द पूल. डू नॉट गो अलोन. कभी भी हमें अकेले पूल की पे नहीं जाना चाहिए बच्चों को. उन्हें हमेशा अपने बड़ों के साथ पूल पे जाना चाहिए. डू नॉट गो टू द डीप साइड ऑफ द पूल. जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, कई स्विमिंग पूल्स में एक तरफ काफी गहरा होता है और एक तरफ कम गहरा होता है. तो हमें हमेशा ये पता रहना चाहिए कि कहाँ ज़्यादा गहरा है और कहाँ कम गहरा है, और हमें किस जगह रहना चाहिए. हमेशा कम गहरे वाली जगह रहना चाहिए. अदरवाइज अगर हम डीप वाली जगह चले जाएंगे तो वहां हमारा डूबने के चांसेस हो जाते हैं. इफ यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम, यूज स्विमिंग ट्यूब्स, फ्लोटर्स और आर्म बैंड्स फॉर स्विमिंग. अगर आपको स्विमिंग करना नहीं आते हैं तो हमें स्विमिंग ट्यूब्स, फ्लोटर्स एंड आर्म बैंड्स फॉर स्विमिंग यूज करने चाहिए, जिससे कि हम डूबे नहीं, सेफ्टी के लिए. डू नॉट ईट वाइल स्विमिंग. स्विमिंग करते टाइम हमें खाना नहीं चाहिए. डू नॉट रन अराउंड द पूल. पूल के चारों तरफ भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पानी फैला होता है और हो सकता है आप फिसल के वहां गिर सकते हो, और पूल की डीप साइड में भी गिर सकते हो आप. डू नॉट पुश और पुल ईच अदर इन टू द पूल. पूल पे कभी भी हमें किसी को खींचना या धक्का नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए. आगे देखते हैं. इन द प्लेग्राउंड. अब प्लेग्राउंड में हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए. ऑलवेज प्ले अ फेयर गेम. हमेशा फेयर गेम खेलना चाहिए. हमें कभी भी वहां पे चीटिंग नहीं करनी चाहिए. वेट फॉर योर टर्न ऑन स्विंग्स. डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग. कभी भी झूलों के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए और अपनी टर्न का इंतजार करना चाहिए. अगर कोई दूसरे बच्चे झूल रहे हैं तो उनके बाद जब अगर आपका टर्न आता है देन ओनली आपको झूलना चाहिए. प्ले इन अ सेफ प्लेस लाइक अ पार्क और प्लेग्राउंड. हमेशा सेफ प्लेस पे खेलना चाहिए, जैसे कोई पार्क में या प्लेग्राउंड में. डू नॉट प्ले ऑन द रोड. कभी भी रोड पे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वहां गाड़ियां आती हैं और एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. डू नॉट प्ले ऑन द रोड. नाउ द सेफ्टी रूल्स एट होम. हमें घर पे रहते हुए भी कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, जैसे कीप योर टॉयज एंड बुक्स एंड अदर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस. हमें हमेशा अपनी बुक्स को और टॉयज को प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए. ये नहीं कि बेड पे छोड़ दो या कहीं और छोड़ के पटके रखो, नीचे जमीन पे छोड़ दो, ऐसा नहीं करना चाहिए. उन्हें प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, मैच स्टिक्स और अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, पिंस एंड ब्लेड्स. दे कैन हर्ट यू. तो कभी भी आपको इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजों को टच नहीं करना चाहिए, माचिस को टच नहीं करना चाहिए, और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नाइफ, चाकू, पिन, ब्लेड्स, इनको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे आपके लग सकती है. ठीक है. स्टे अवे फ्रॉम प्लग पॉइंट्स एंड सॉकेट. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
जो हमारे घर में प्लग्स और सॉकेट्स लगे रहते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, उनमें होल्स होते हैं। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, उन होल्स में उंगली डालते हैं या कोई चीज डालने की कोशिश करते हैं, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपके बहुत तेज करंट लग सकता है और करंट लगने से, शॉक लगने से इवन आपकी मतलब आप जल सकते हैं, और किसी के बहुत ज्यादा अगर करंट लग जाए तो वो मर भी सकता है। इसलिए हमें कभी भी सॉकेट्स और प्लग पॉइंट्स पे से दूर रहना चाहिए और कभी उंगली नहीं घुसेड़नी चाहिए उनमें। डू नॉट प्ले विथ फायर, आग के साथ नहीं खेलना चाहिए, आप जल सकते हैं। नेवर टीज पेट्स और एनिमल्स, कभी भी जो आपके पेट्स हैं जैसे आपके डॉग या कैट वगैरह है उनको कभी परेशान नहीं करना चाहिए। नेवर टेस्ट मेडिसिन्स, दे कैन बी पॉइजनस। कई बार घर में क्या होती है, हमारे बड़ों की या किसी की मेडिसिन्स रखी रह सकती हैं, आपको कभी उनको टेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उठाओ और सोचो टेस्ट करके देखें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दे कैन बी पॉइजनस या वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। ओके, तो दीज आर द रूल्स विच यू हैव टू फॉलो एट होम। आगे देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, शुड यू पुश और पुल ईच अदर इन टू द स्विमिंग पूल? नो, वी शुड नॉट पुश और पुल ईच अदर इन टू द स्विमिंग पूल। शुड यू ईट च्युइंगम और फूड वाइल स्विमिंग? नो, वी शुड नॉट ईट एनीथिंग वाइल स्विमिंग। शुड यू प्ले विद ब्रोकन टॉयज? नो, वी शुड नॉट प्ले विद ब्रोकन टॉयज, टूटे हुए खिलौनों से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उनसे हमें लग सकती है। शुड यू क्लाइंब ऑन विंडोज एंड शेल्फ इन योर हाउस? कभी भी हमें विंडोज और शेल्फ पे नहीं चढ़ना चाहिए बिकॉज वहां हम गिरने का हमें डर रह सकता है और लगने के, चोट लगने का डर रहता है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड इन केस यू आर हर्ट, अगर किसी के लग गई है तो हमें फर्स्ट एड यूज करना चाहिए, मतलब कि हमें कैसे जो लगा है उसको कैसे हमें ध्यान रखना है उसके बारे में फर्स्ट एड में बताते हैं। कीप काम, डोंट फील स्कैर्ड और शाउट। आपको आराम से रहना चाहिए, ऐसे नहीं आप बहुत हल्ला मचा रहे हो या डर रहे हो, तो डरना नहीं चाहिए, जो लग गई है वो लग चुकी है। क्विकली टेल एन एल्डर अराउंड यू, दे विल गिव यू फर्स्ट एड। अगर कभी लग जाए तो जल्दी से अपने बड़ों को बताना चाहिए जिससे कि वो आपके पट्टी बांध सके या जो भी उनको प्रॉपर करना है फर्स्ट एड वो आपको दे सके। विजिट अ डॉक्टर इफ रिक्वायर्ड, अगर लग रहा है बहुत ज्यादा लग चुकी है तो हमें डॉक्टर के विजिट करना चाहिए। नाउ कीवर्ड्स, जो ऐसे कुछ वर्ड्स जो अभी चैप्टर में हमने पढ़े, लाइक सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं? मेजर्स टेकन टू स्टे अवे फ्रॉम हार्म। तो सेफ्टी रूल्स आर दोज रूल्स जो कि हमें देखभाल करनी चाहिए खतरे हार्म से बचने के लिए। जीब्रा क्रॉसिंग क्या होता है? व्हाइट लाइन्स पेंटेड ऑन द रोड फॉर सेफ क्रॉसिंग। रोड को क्रॉस करने के लिए, मतलब अगर आप पैदल क्रॉस कर रहे हैं तो यू कैन फाइंड सम व्हाइट स्ट्रिप्स ऑन द रोड, इसको हम जीब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं और हमेशा हमें उस जीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से ही रोड को क्रॉस करनी चाहिए। अब हमने क्या क्या देख लिया, नाउ यू नो, अब हम क्या क्या जान गए हैं। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू सेव आवर सेल्फ फॉर फ्रॉम इंजरी, हमें लगने से बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स जो जहां के लिए बने हुए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, घर पे सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए। ऑन रोड, रोड पे भी, स्विमिंग पूल में भी एंड व्हीकल के अंदर बैठे हुए भी। बी केयरफुल ऑफ फायर, इलेक्ट्रिसिटी एंड शार्प थिंग, हमेशा हमें आग, बिजली और शार्प थिंग से केयरफुल रहना चाहिए। इन केस यू आर हर्ट, इमीजिएटली टेल एन एडल्ट, अगर आपके कभी लग गई है तो इमीजिएटली अपने बड़ों को बताइए। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर, थिंग एंड आंसर, नेम दीज। ट्रैफिक लाइट दैट टेल यू टू स्टॉप, विच ट्रैफिक लाइट? रेड। इट कैन गिव यू अ शॉक, किस चीज से हमें झटका लग सकता है? इलेक्ट्रिसिटी। क्रॉस द रोड हेयर, कहां से क्रॉस करना चाहिए? जीब्रा क्रॉसिंग। ट्रैफिक लाइट दैट टेल्स यू टू वेट इज रेड लाइट और ऑरेंज लाइट। ऑरेंज लाइट विल या येलो लाइट विल टेल यू टू वेट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। डू नॉट प्ले विद डैश, किसके साथ नहीं खेलना चाहिए हमें? डू नॉट प्ले विद फायर। डू नॉट गो अलोन फॉर अ डैश, कहां अलोन नहीं जाना चाहिए? स्विमिंग के लिए। डू नॉट प्ले ऑन द डैश,
हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए, हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट टच डैश वायर्स, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, डू नॉट टेक डैश योर सेल्फ, डू नॉट टेक डैश योर सेल्फ क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट टेक, डू नॉट, सो डू नॉट टेक मेडिसिन योर सेल्फ, हमें अपने आप मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए. डू नॉट जम्प इन द डैश साइड ऑफ द पूल, इन द डीप साइड ऑफ द पूल. डू नॉट बोर्ड अ डैश बस, कौन सी बस में नहीं चलना चाहिए, मूविंग बस में नहीं चढ़ना चाहिए. स्टे डैश इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, स्टे काम इन केस ऑफ एक्सीडेंट. नाउ सी राइट ट्रू और फॉल्स. लीन आउट फ्रॉम, लीन आउट फ्रॉम योर हेड, लीन आउट फ्रॉम योर हेड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग व्हीकल, फॉल्स. कट फ्रूट विद अ नाइफ योर सेल्फ, फॉल्स. बी काइंड टू एनिमल्स, ट्रू. पुश योर फ्रेंड्स वाइल एंटरिंग अ बस, फॉल्स. रन अराउंड द स्विमिंग पूल, फॉल्स. यूज फ्लोटर्स इन द स्विमिंग पूल, यस ट्रू. नाउ दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू योर सेल्फ. आपने अभी चैप्टर पढ़ा था, राइट टू सेफ्टी रूल्स दैट यू शुड ओबे एट होम एंड प्ले ग्राउंड. दिस यू हैव टू राइट ऑन द रोड, इन द स्विमिंग पूल. And these are HOTS, higher order thinking skills and activities you have to do it yourself. आपको अपने आप करना है, इनको पढ़िए और करिए. So by this हमारा chapter यहाँ finish होता है. और ये जो chapter आपने किया है ये है unit 4 का chapter number 7, safety and first aid.